इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप जब तक खेलोगे नहीं, जब तक कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे नहीं, वहां तक तो उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जब तक जब बाहर आके खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे या और कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, तो उस हिसाब से वो सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले ये मेरा ये मानना है कि आप स्पोर्ट्स खेले, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो, उसके बाद अपने आप सारी चीजें आपको मुहैया हो जाएगी। तो आप जैसे क्रिकेट स्टार अभी यहाँ आया, तो यकीनी तौर पर जो मनोबल है यहाँ के यूथ का वो बढ़ जाएगा, तो किस तरह से आप जैसे लोगों की कोशिशें रहेंगी कि जो कश्मीरी यूथ है, कश्मीरी टैलेंट है, वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाए? ये ऑब्वियसली देखिए, जो यूथ है वो बहुत ही पैशनेट है यहाँ पे खेलने के लिए, वो बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स के लिए। हमारा यही रहेगा कि एज ए क्रिकेटर, जब भी इनको आर्मी को जब भी ज़रूरत होगी हमारी, हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा आपने कहा, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना वो खेलेंगे उतना उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे। तो कोचिंग की काफ़ी ज़रूरत है? ऑब्वियसली देखिए, कोचिंग अब यहाँ पे वुमेन क्रिकेट की एक लड़की है जो उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया है और सबको मोटिवेट कर रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि वो इन्वॉल्व होकर मोटिवेट कर रही है उनको, और साथ साथ में आर्मी के जितने भी जवान हैं और जितने भी मेंबर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे बढ़े। और जब जब कोई ये कोशिश करता है कि बच्चे आगे बढ़े, तो बहुत अच्छी बात है, जब पहल करता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। थैंक यू सर। कोविड की वजह से हम घर पे ही बैठे थे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि भारतीय सेना ने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो हम यहाँ आए, घर से बाहर निकले, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक एनवायरनमेंट भी मतलब अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो जिस तरीके से बात है आप, वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे आने के लिए, और बहुत सारे क्रिकेटर्स को बुलाया यहाँ पे मतलब खेलने के लिए, हमें मौका मिला कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। बच्चों के लिए ये मैसेज रहेगी कि सारे अपना बैच दे, अच्छे से खेले, बाकी कुछ नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आप जब तक खेलोगे नहीं, जब तक कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे नहीं, वहां तक तो उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। आप जब तक जब बाहर आके खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे या और कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कहाँ पे हमारी कमी है, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, तो उस हिसाब से वो सारी चीजें होगी। तो सबसे पहले ये मेरा ये मानना है कि आप स्पोर्ट्स खेले, चाहे जो भी स्पोर्ट्स हो, उसके बाद अपने आप सारी चीजें आपको मुहैया हो जाएगी। तो आप जैसा क्रिकेट स्टार अभी यहाँ आया, तो यकीनी तौर पर जो मनोबल है यहाँ के यूथ का वो बढ़ जाएगा, तो किस तरह से आप जैसे लोगों की कोशिशें रहेंगी कि जो कश्मीरी यूथ है, कश्मीरी टैलेंट है, वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाए? नहीं, ऑब्वियसली देखिए, जो यूथ है वो बहुत ही पैशनेट है यहाँ पे खेलने के लिए, वो बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स के लिए। हमारा यही रहेगा कि एज ए क्रिकेटर, जब भी इनको आर्मी को जब भी ज़रूरत होगी हमारी, हम ज़रूर यहाँ पर आएंगे और उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जैसा आपने कहा, यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन जितना वो खेलेंगे उतना उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और मोटिवेट भी होंगे। तो कोचिंग की काफ़ी ज़रूरत है? ऑब्वियसली देखिए, कोचिंग अब यहाँ पे वुमेन क्रिकेट की एक लड़की है जो उन्होंने आगे बढ़ के हिस्सा लिया है और सबको मोटिवेट कर रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि वो इन्वॉल्व होकर मोटिवेट कर रही है उनको, और साथ साथ में आर्मी के जितने भी जवान हैं और जितने भी मेंबर हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चे आगे बढ़े। और जब जब कोई ये कोशिश करता है कि बच्चे आगे बढ़े, तो बहुत अच्छी बात है, जब पहल करता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े। थैंक यू सर।